जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी, जिंदगी में थी तुझसे खुशी, चरागों में थी तुझसे रोशनी। ब्लॉग में होने वाला है बहुत सारा एडवेंचर और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होने वाला है, इसलिए मैं शुरुआत का ब्लॉग में आप लोग को एनर्जी दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी हम लोग के साथ थकान फील कर सको, क्योंकि हम लोग चलने वाला है 3000 स्टेप्स डाउन, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है। जाने में तो इतना तकलीफ नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेकिन जब ऊपर आएंगे हम लोग 3000 स्टेप्स और भी 3 किलोमीटर की दूरी का डिस्टेंस कवर करके, सो बहुत तकलीफ होने वाला है हम लोग को। सो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं डबल डेकर ब्रिज, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वाला व्लॉग में बताया था। सो देखते जाना, बहुत एडवेंचरस होने वाला है। सो लेट्स गो गाइस, आई विल शो यू हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लाइंब डाउन 3000 स्टेप्स एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्लाइंब अप 3000 स्टेप्स। सो वेट एंड वॉच। मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं कहा। अभी नीचे जा रहे हैं, देखो बहुत नीचे जा रहा हूँ अभी। ये देखिए आदमी लोग जाके आ चुका है ऊपर से, और ये लोग भी आ रहे हैं। हम नशीं न कोई मेहरबान, बिन तेरे कुछ नहीं है यहाँ। है कड़ी न है साहिबा, तू जहाँ है वहाँ। मेरी हर खुशी तुझसे जुड़ी, अब कहीं नहीं चैन दो घड़ी, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। हम लोग डबल डेकर ब्रिज का जगह में डबल सिंक मिल गया हमें, हर चीज डबल ही लगते है हमें। ये देखिए डबल सिंक। स्टीफनेस बढ़ते जा रहा है, ये देखिए बहुत ही स्टीफ है हमें, जितना नीचे जा रहा है उतना स्टीफ होते जा रहा है। ये देखिए सब लोग नीचे पहुंच चुका है, और हम दोनों का पाव जो अभी से ही कांप रहे हैं, पाव कांप रहे हैं। हम लोग बहुत धीरे धीरे से जा रहे हैं, इसलिए सब लोग हाँ लाठी हम दोनों आराम से जाएगा। देखो हम दोनों सबसे लेट जाएगा, वो लोग पहुंचने से पहुंचने दो। ये लोग नीचे से आ चुके हैं, 9 बजे गया था और अभी पहुंचे। ये लोग बोले कि अगर आप लोग में दम नहीं है तो यहीं से घूम जाना, और हम लोग में तो दम है। फिलहाल तो मेरा पाँव कांप रहा है, फिर भी जा रहा हूँ नीचे। ये देखो कितना नीचे है अभी, शायद हम लोग कितना 1000 नहीं पहुंचे, लाइक 600 जैसे स्टेप डाउन आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टेप है। सो गाइस मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को फ्यूचर में व्लॉग देखने नहीं मिलेगा मेरे तरफ से, सो इसलिए मैं अभी बंद कर रहा हूँ। सो आप लोग कब गए थे? हाँ आप लोग नेक्स्ट डे, हाँ प्रीवियस डे, हाँ देन डबल टेकर, हाँ रेनबो। ओके सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गुड। और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? एडवेंचरस। ओके सो ये दीदी और भैया ने बोला बहुत एडवेंचरस है, हम लोग भी एडवेंचर करने जा रहे हैं अभी। सो गाइस मिलते हैं आप लोग को बाद में, क्योंकि हम नहीं बनाना चाहता और वीडियो, क्योंकि बहुत तकलीफ है हमें, एक हाथ से वीडियो बनाना, दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ना और दोनों पाँव से चलना। सो आप लोग देखते रहना, थोड़ा अच्छा जगह मिलने से हम आप लोग को बताएंगे जहाँ मैं वापस से शूट कर पाऊँगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो कितना नीचे है, हम लोग बहुत ऊपर से आ चुके हैं। अभी तो आप लोग को सीढ़ी भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना ऊपर से है वो। देखिए अभी ये सब लोग नीचे जा रहे हैं, अभी हम दोनों तो सबसे कमज़ोर वाला है, इसलिए हम दोनों थोड़ा रुका है वापस से, अभी जाएगा नीचे। सो देखते रहना गाइस, नहीं मिले थोड़ा शकल वगैरह सब कुछ धो लेना पड़ेगा, इतना ऊपर से है हम लोग का हालत ख़राब हो गया। ओह भाई को मैंने कैमरा पकड़ने दिया था, वो कैमरा लेके आ रहे अभी। सब लोग तो पहुंच चुका है, हम लोग भी जस्ट पहुंचा है, ये लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा फ्रेश अप हो गया, यहाँ मैं थोड़ा सा पानी आ रहा है यहाँ से, पसीना देख लो गाइस, पसीना। पीछे वाला भाई का भी देख लो, कहाँ है, इधर आओ,
ये देखो पूरा पसीना देखो, सब लोग पसीना पसीना हो चुका है। हम तो ये कपड़ा भी खोल लिया जैसे मैंने पहले ही बता दिया था आप लोग को। अभी थोड़ा प्लेन एरिया है, इतना भी स्टीफ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि स्टीफ एरिया लोग मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत रिस्की है। सो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं जहाँ में डबल डेकर ब्रिज है उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो देखते हैं और कितना समय लगेगा, शायद 2 किलोमीटर जैसे और चलना पड़ेगा हम लोग को, या फिर उससे भी ज़्यादा और चलना पड़ेगा। तो आप लोग देखते रहना। ओह बहुत लोग घूम के आ चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं। सो आप लोग का बहुत समय लगने वाला है जाने में आने में। यस ब्रो, सब लोग आ रहे हैं अभी और हम लोग अभी जा रहे हैं। इतना में ही थक गया, सबका पाव कांप रहा है। पानी है नीचे में, गाइस नीचे में एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, पहला ब्रिज, लेकिन ये वाला डबल ब्रिज नहीं है, वो सिंगल वाला ब्रिज है। देखो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये ब्रिज से जाएंगे। सब लोग ये ब्रिज से जाने के लिए रुक रहे हैं, आगे से भी आदमी लोग आ रहे हैं। ये जाएगा अभी हैंगिंग ब्रिज से जा रहा है। मैं लास्ट हूँ अभी, तो चलिए गाइस हम लोग भी चलते हैं उनका पीछे पीछे। ये तो पूरा भाग भाग के है, बहुत एनर्जेटिक है ये। लेकिन अभी प्लेन एरिया पहुंच चुका है, बच्चे लोग भी आया था, सब लोग आया था, आंटी लोग भी आए, अंकल लोग भी आए। सो गाइस हम लोग पहुंच चुका है डबल डेकर ब्रिज, ये मेरा पीछे ही है डबल डेकर ब्रिज। मैं आप लोग को दिखाऊंगा, थोड़ा क्वालिटी में फर्क आएगा क्योंकि हम अभी फोन से ले रहे हैं, कैमरा का बैटरी खत्म हो चुका है। सो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को डबल डेकर ब्रिज जिसके लिए हम आया है बहुत दूर से। अभी थोड़ा रुके, मैं आप लोग को ब्रिज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे नीचे में पानी भी है और ब्रिज इस तरफ है, ये देखिए हम लोग बैठा हुआ है। सो ये देखिए गाइस, यही है डबल डेकर ब्रिज जिसके लिए हम लोग आया था बहुत ही दूर से, बहुत मेहनत करके। ये है डबल डेकर ब्रिज, ये नेचुरल ब्रिज है, कोई नहीं बना है इसको, ये पूरा नेचुरल है, पूरा ये पीपल ट्री या कुछ है उसका रूट से बना है ये दोनों। ये देखिए आप देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर वाला से जा रहा हूँ, ये देखिए सब नेचुरल है, ये पूरा नेचुरल है, ये पूरा रूट है। अभी ऐसे जा रहा हूँ मैं, करे भाई यहाँ से दोनों का क्लियर व्यू आता है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है। मैं जस्ट अभी ऊपर वाला से आया था, अभी मैं नीचे वाला से जा रहा हूँ वापस से, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए मैं ऊपर से और नीचे से जा रहा हूँ। ये देखिए ये पूरा एकदम नेचुरल है, बस थोड़ा आदमी लोग को चलने के लिए ईजी होने के लिए यहाँ पे कुछ लगा दिया है हमें। आराम से भैया, सब लोग फोटो वगैरह खींच रहे हैं, ये देखो वहाँ पे भी, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में बिजी हूँ। और वहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मछली है, देखो ये लोग डरता भी नहीं है, ये नेचुरल एक्वेरियम जैसे वो लोग के लिए, ये लोग डरता भी नहीं है। पानी भी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, बहुत साफ है ये जगह। ये पीछे भी है, ये देखिए गाइस इट्स वॉट कमिंग, आप लोग भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत ही एडवेंचर और बहुत ही तकलीफ से आना पड़ेगा आप लोग को, पहाड़ से ऊपर नीचे सब कुछ करना पड़ेगा तभी पहुँचेगा। ये देख सकते हैं यहाँ से भी, ये है नीचे वाला और ये है ऊपर वाला ब्रिज, जो कि मैं ऊपर से गया था और अभी अभी जस्ट नीचे से आया है। और सब लोग यहाँ पे पानी के साथ खेल रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा साफ है। ये लोग तो नहाने चला गया, देखिए हम लोग को भी बुला रहे हैं अभी नहाने के लिए, ये लोग ये भी रेडी हो रहे हैं नहाने के लिए। और मैं भी जाना चाहता हूँ पर कपड़ा नहीं लाया, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी पहुँच चुका है, बहुत ठंडा है पानी तो।
आप लोग सोच रहा होगा ये लोग एक पाव पानी का अंदर रखे क्यों बैठ रहे सब लोग, ये सब लोग और मैं भी, असली में ये लोग, ये मछली दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सो ये लोग आके हम लोग का पाव को काट रहे हैं जो कि एक थेरेपी टाइप का काम करते हैं। आप लोग देखा होगा बड़ा बड़ा मॉल्स में ऐसे फिश थेरेपी होता है, सो यहाँ में हम लोग नेचुरल अलग ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। DSLR जो कि कैमरा है उसका बैटरी भी ख़त्म हो चुका है और फ़ोन का भी बहुत लो हो चुका है, सो अब ये हम लोग वापस जा रहे हैं, ये डबल डेकर ब्रिज है जो आप देख सकते हैं, ये देखिए हाय फ्रेंड। सो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं अपना लोकेशन पे जहाँ से आया था, हम लोग बहुत नीचे से अभी थोड़ा ऊपर पहुँच चुका है, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है ऊपर जाने में, और नीचे से दोस्त लोग भी आ रहे हैं। शुरू शुरू में नीचे जाने में तो इतना तकलीफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन अभी ऊपर जाने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है, देखते हैं और कितना समय लगता है जहाँ से आया वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये इतना ऊपर आ चुका है, देखो गाइस कितना नीचे से आया हम लोग, ये ऊपर जाने अभी सीढ़ी चढ़ चढ़ के आ रहा है, पूरा सांस फूल गया, गला पूरा सूख गया, सूख भी गया, पेन भी हो रहा है और पूरा फेटिक हो चुका है पूरा बॉडी में, पता नहीं कितना वेट लूज कर दिया हम लोग। ओके हम लोग अभी चलते रहेगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते और थक रहा है, अभी मैं रुक रहा था थोड़ा देर के लिए, ये लोग भी आ चुके हैं अभी अभी जस्ट नीचे से, देखो पसीना कितना निकल रहा है, सब लोग का सांस फूला हुआ है, ये मेन वजह वॉयल से भी खतरनाक गला एडवेंचर है, ये तो बियर ग्रिल्स को ये सब मालूम ही नहीं कि कितना तकलीफ होता है ऐसे चलने में। देखो कितना नीचे से आए हम लोग और भी एक ही गो में, हम सब लोग नीचे से ऊपर आ चुके हैं अभी, थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया इसलिए हम लोग यहाँ से कुकुम्बर ले रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग हाइड्रेट कर सके अपने आप को, ये तो पहले कुकुम्बर इसको पसंद नहीं है लेकिन भी खा रहे हैं, आज केस अलग है बोल के, तो ये भाई तो नहीं खाते नींबू खा रहे, सो सब लोग खा रहे इसको छोड़ के, सब लोग कुकुम्बर खा रहे, हम दोनों तो खा चुके हैं दो, तो और मांग रहे और दो मांग रहे, हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, नहीं तो बहुत थकान लगते फिर। अभी सिचुएशन ऐसे है कि हम लोग का ये कैमरा का बैटरी भी बहुत लो हो चुका है, अभी ये बंद ही हो जाएगा और इससे वीडियो और रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, और अभी जिस फ़ोन से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि मेरा दोस्त का फ़ोन है, वो भी अभी बैटरी लो हो चुका है, इसलिए हम लोग अभी जाने वाला जर्नी को इतना दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन भी आप लोग देखते रहना क्योंकि हम लोग अभी शिलोंग जाने वाला है, शिलोंग में जाके हम चार्ज वगैरह करके आपको थोड़ा सा और कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आप लोगों को शिलोंग में पहुँच के, सो गाइस बाय बाय। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, कल पूरा रात हो चुका था और हम लोग का कैमरे का बैटरी, फ़ोन का बैटरी पूरा ख़त्म हो चुका था डबल डेकर जाके, फिर हम लोग रात को आए वहाँ चेरापूंजी से फिर शिलोंग पहुँचे, शिलोंग पहुँचने के बाद हम लोग ये दोस्त का घर में बैठे हैं, ये हम लोग का दोस्त इसका नाम है दामे, हम लोग इसका घर में बैठा है और अभी सुबह हो चुका है, सो हम लोग अभी वापस हॉस्टल जाएगा क्योंकि हम लोग दो रात हो चुका है मेघालय में, चेरापूंजी में एक रात बैठा, फिर ये दोस्त का घर में कल रात बैठा और अभी हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इसका घर का व्यू तो बहुत ही सुंदर है, पूरा शिलोंग दिखाई देते हैं यहाँ से, और रात में भी बहुत सुंदर व्यू होता है इसका टेरेस से, और वो दोस्त का रूम जो इधर ही था टेरेस में और भी अच्छा था यहाँ से व्यू देखने के लिए, सब बहुत मज़ा आया और हम लोग को रहने देने के लिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दामी को, सो अभी हम लोग जाएगा हॉस्टल पहुँच के आप लोग को बताएगा कि हम लोग हॉस्टल पहुँचा, कितना समय पहुँचा, रास्ता में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, सो देखते रहना गाइस, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो बहुत बहुत शुक्रिया,
आप लोग को थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ ये टेरेस से, मैंने देखा तो आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा यहाँ से व्यू। सो ये रहा, अभी हम लोग निकल रहे हैं यार दोस्त का घर से। देखो हेलमेट बैग सब कुछ ले लिया, सब कुछ पैकिंग वगैरह सब कुछ वापस कर लिया। सो अभी हम लोग शिलोंग से आते आते अभी भरा पानी पहुंच चुका है। सो गाइस आप लोग पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर है यहाँ से व्यू। दो ये क्या बोला था, और ये बड़ा पानी लेक का व्यू पॉइंट है, देखिए कितना सुंदर है। सब लोग आ रहे हैं, दोस्त लोग भी, सब लोग पहुँच गए हमें, सब लोग एक साथ रुक रहे हैं, हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा फोटो वगैरह खींचेगा सब लोग का। फाइनली पहुँच चुका है अपना हॉस्टल, देखिए शिलोंग से स्कूटी चला चला के, देखो बहुत पसीना आ चुका है, बहुत थक गया और बहुत टायर्ड भी है। अभी स्कूटी रखने जाना है गुवाहाटी में, जहाँ से रेंटल लिया था हम लोग, उसको भी वापस रखने जाना पड़ेगा। सो गाइस अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना अगर हो सकने से, और हो सके तो कमेंट भी कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे बहुत मदद होता है आप लोग लाइक करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से, और सब्सक्राइबर बढ़ने वाला देखने से खुद को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो लोगों तक तो पहुंच रहा है और आदमी लोग को पसंद आ रहा है, इसलिए लोग हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है एक एक सब्सक्राइबर से, और जितना सब्सक्राइबर बढ़ता है उतना और वीडियो बनाने मन होता है। सो गाइस मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत सलाम। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।